डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में सांस्कृतिक विभाग की ओर से इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि ऐसे यूथ फेस्टिवल आयोजित करने से छात्र छात्राओं में चहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। इससे छात्राओं को आगे चलकर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान होता है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन छात्र छात्राएं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डीएवी कॉलेज द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं आकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इस मौके पर छात्राओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को लेकर एक जागरूकता के रूप में नाटक प्रस्तुत किया गया और समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को समाप्त करने का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर देशभक्ति से ओत प्रोत एवं हरियाणवी कल्चर से सराबोर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित टैलेंट शो की कुछ आकर्षक झलकियां। झमेला हो गया कट्ठे हो गए नारे नारे काही देखता स्वामी बोलिया तू फेरा कर गाड़िया आ गया के किस तुम चलिया पाछे पाछे हम आ गया के किस तुम चलिया पाछे पाछे हम यूथ फेस्टिवल में आए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित ये 42वां महोत्सव है और अलग अलग जोन्स में ऐसे महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। आज यहाँ करनाल डीएवी कॉलेज में महोत्सव आयोजित हो रहा है। इन महोत्सव के अंदर हरियाणा की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, विधाएं हैं, उनका प्रदर्शन विद्यार्थी अपनी स्पर्धाओं के माध्यम से करेंगे और देश और समाज की जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी इन विधाओं के माध्यम से वो कई प्रकार के प्रश्नों के सवाल और उनके जवाब ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉलेज के लिए और विश्वविद्यालय के एक अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 42वां महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप छात्रों को? छात्रों को मैंने अभी बोला है वो कुल मिला करके अपने लिए इन विधाओं के लिए आयोजित नहीं करें, वो अपने समाज के लिए, देश के लिए भी ये विधाएं कैसे काम आए। दूसरा, इन विधाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का दायित्व भी उनके ऊपर है और इस दृष्टि से हमारे युवा प्रयास कर रहे हैं। अभी जो एक प्रस्तुति हुई उसको देख करके लगता है कि ये महोत्सव बहुत सफल आयोजित होगा। इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लाभ मिलता है छात्रों को? छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व विकास का ये एक हिस्सा है। संपूर्ण विकास के लिए इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होना ये आवश्यक अंग होता है शिक्षा का। मेन यूथ फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।